जानकारी राजगढ़ से सामने आ रही है और क्या वो खबर है जरा वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस बीच बड़ी जानकारी है और निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी वार्ड नंबर 7 से बीजेपी पार्षद। ये पहला रुझान है शुभेंदु आपका, राजगढ़ से खबर सामने आ गई है, बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। राजगढ़ वार्ड नंबर 9 पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ, ये रुझान आने शुरू हो गए हैं और रुझान के अस्तुतम रिजल्ट कहेंगे क्योंकि सीधे तौर पर पार्षदों की क्योंकि जो काउंटिंग है वो 1 से 2 राउंड की बताई जा रही थी। कुछ बड़े वार्ड जरूर हैं तो वहां पर समय लग सकता है, लेकिन छोटे वार्डों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा ने जीत दर्ज की है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है और अब यहां से ये बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत मिलते हुए। और वार्ड नंबर 9 से पार्षद प्रत्याशी संजय गुप्ता भी जीते हैं, तो राजगढ़ में वार्ड नंबर 7 से बीजेपी पार्षद की जीत हुई है। एक और वार्ड से जहां स्थिति साफ हो रही है अब, जहां बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा यहां से दोनों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो जो पहला रिजल्ट सामने आया है आपका, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है, राजगढ़ में 2 वार्ड में जीत दर्ज कर ली है। प्रदीप माहौर जी, शुरुआत आपके पक्ष में गई है, 2 वार्डों में जीत दर्ज हो गई है। जी जी जी, आपको भी बधाई और पूरी जनता जो है सबको बधाई। देखिए, अभी संजय शुक्ला जी का मैं बयान सुन रहा था, उनका बयान जो था वो ऐसा, उनको ऐसा देखने में लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन कॉन्फिडेंस किस प्रकार का था उनका? उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि देखो भैया, अगर किसी कारण मैं हारता भी हूं तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है पहले से, यानी कि मैं एमएलए तो हुई इसलिए कोई समस्या नहीं है। मैंने कुल मिला के देखा, जितनी हाइप क्रिएट हुई इंदौर के अंदर, जितना ज्यादा ये ऐसा किया गया कि संजय शुक्ला खड़े हो गए हैं, बहुत पहले से इन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस हिसाब से प्रैक्टिकली मुझे देखने में लगा कि संजय शुक्ला जी उतनी तेजी से यहां पे, उनका इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत पाएंगे और इसी वजह से उन्होंने उतने प्रयास किए भी नहीं। मीडिया में रिपोर्ट्स करते रहे, लेकिन जन जन जो संपर्क की बात होती है, जिस प्रकार की उम्मीद लोग लगा रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार पूरी जीतोड़ मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, दूसरी तरफ देखने को मिला कि ऐन मौके पे कमलनाथ जी गायब हो जाते हैं और तो और स्थिति ऐसी हो जाती है कि कमलनाथ जी स्वयं वोट करने नहीं पहुंचते हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो है ना, उनकी स्थिति अभी बहुत डमाडोल चल रही है। अंदर से वो लोग क्या है समझ चुके हैं कि जनता उनके साथ में नहीं है पूरी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से आगे चुनाव जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर आपको जीतती हुई नजर आएगी। ये बिल्कुल नई टैली भी आ गई है, इस पर भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 जगह पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन साइन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और लगातार इस तरह से हर जगह की जानकारी जो है वो हम दर्शकों को देते रहेंगे और तमाम जो अपडेट्स हैं, कोशिश हमारी है कि जितनी लोकल स्तर पर हर एक वार्ड की हम जानकारी दे सकें दर्शकों को उतना बेहतर है। बिल्कुल, और हर छोटे से छोटी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और ये लगातार पूरी टैली के जरिए बहुत आसानी के साथ, ताकि आप समझ पाएं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ये पूरी तस्वीर अब आप देख रहे हैं। और इसी को लेकर के जो शुरुआत है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है, जरा एक रिएक्शन योगेश जी से भी ले लेते हैं। योगेश जी, आप इस शुरुआत को आप कैसा देख रहे हैं? ये शुरुआत है महज, आगे अंत अच्छा होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल आगे कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार कई शहर कई जिलों में बनाने वाली है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जनता का भरपूर आशीर्वाद और